हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, एक सिम पैक का और एक न्यू अपडेट आया है। तो देखिए, यहाँ पर आपका जो क्लेम ऑप्शन था फाइनली यहाँ पर कंप्लीट हो गया है और आप अभी क्लेम नहीं कर सकते। तो आपका NFT वगैरह है और टोन कीपर पर है, तो आप कैसे मतलब उसको एक्सचेंज में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो यही एक ऑप्शन बचता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, जहाँ पर मतलब एड्रॉप का ऑप्शन आ रहा था, यहाँ से कॉपी करना जो एड्रेस वो वाला है, फाइनली यहाँ पर रिमूव कर दिया एक सिंपर ने। और अभी आप अपने मतलब टोन कीपर पर नहीं ले सकते हैं जो आपका टोकन्स वगैरह था। तो आप कैसे मतलब एक्सचेंज की मदद से आप कैसे ले सकते हैं, तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊँगा, बारीकी से बताऊँगा। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो वीडियो के बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए, क्या प्रोसेस करना होगा, अगर आपका NFT कॉइन्स है तो आप कैसे टोन कीपर की मदद से आप अपने एक्सचेंज में कैसे ले जा सकते हैं और अपना टोकन सेल कैसे कर सकते हैं। तो चलिए, आप यहां से क्लेम नहीं कर सकते हो, आप टोन कीपर की मदद से ही कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको कोई भी एक्सचेंज में जाना होगा। जैसे मैंने बाईबिट सिलेक्ट कर लिया, आप बाईबिट, बिंजेक्स, ओकेएक्स, आप किसी भी एक्सचेंज में जा सकते हैं। उसका डिपॉजिट एड्रेस कॉपी करना है, बस वही करना है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, असिस्ट में आना है, उसके बाद डिपॉजिट, उसके बाद यहाँ पर देखिए डिपॉजिट क्रिप्टो पर आपको क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर सर्च करना है एक्स टोकन, जो भी टोकन्स का नाम था, जैसे इसका एक्स एम्पायर का टोकन का नाम था एक्स टोकन, तो मैं सर्च कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर आएगा ना, जैसे एड्रेस आएगा और टैक्स, तो टैक्स तो वहाँ पर आपको कॉपी करना होगा और एड्रेस। तो यहाँ पर देखिए टोन्स आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से देखिएगा आपको क्या करना होगा, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये वाला वॉलेट एड्रेस है ना, इसको कॉपी करके और आपका टोन कीपर पर चले जाना है। टोन कीपर पर चले जाने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना होगा, चलिए मैं टोन कीपर ओपन करके आपको बता देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपका पासवर्ड इंटर कर देंगे, जो भी आपका पासवर्ड है। तो पासवर्ड फिल करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए वॉलेट हिस्ट्री ब्राउजर और कलेक्टिवल्स लिखा है ना, तो आपको कलेक्टिवल्स पर आपको क्लिक कर देना है। फाइनली आपका जो NFT है यहाँ पर शो करेगा। अगर यहाँ पर आपको शो नहीं करता है तो ध्यान से देखिए, सेटिंग में जाना होगा। देन्स यहाँ पर टोकन्स बोल के लिखा आ रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। देन्स यहाँ पर देखो, टोकन्स के सामने एक है ना कलेक्टिवल्स, ये वाला ऑप्शन आपको दिखेगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर क्लिक करके आप एड्रेस वगैरह डाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर बैक कीजिएगा। अगर आपका ये वाला शो करता है तो यहीं से कीजिए। सबसे पहले टोकन पर क्लिक करना होगा, उसके बाद ट्रांसफ़र कर लीजिए। जैसे आप ट्रांसफ़र पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर एड्रेस पेस्ट करने के लिए बोलेगा, तो आप यहाँ का जो एड्रेस बाईबिट का किए थे यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। और कमेंट्स में क्या लिखना है मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए टेक्स्ट मेमो कमेंट्स है ना, तो ये वाला कमेंट में भी आपका काम आएगा, ये वाला दोनों पर काम आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद फाइनली यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो देखिए दोस्तों, बाईबिट पर अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या कोई भी एक्सचेंज पर, तो उसके लिए यहाँ पर पे करना होगा, यानी 0.012, यानी 0.08 डॉलर के आसपास आपको लगेगा, बहुत ही कम है। तो ये वाला आपको पे करना होगा, तब जाके जो आपका NFT है फाइनली जो आपका एक्सचेंज में चला जाएगा। तो 10-15 मिनट के बाद वहाँ पर आपको शो करने लगेगा। उसके बाद कंफर्म एंड सेंड पर क्लिक कर देने से फाइनली यहाँ पर आपका डन हो जाएगा। उसके बाद जितना भी आप NFT है जल्दी से ट्रांसफ़र कर लीजिए, क्योंकि आप उतना दिन तक ये वाला नहीं चलेगा। और अगर आपका कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो फिर भी कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा जल्दी उसका सॉल्यूशन लाने में कोशिश करूंगा। और अगर आपका फिर भी कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट में बता सकते हैं, हम कमेंट्स रीड करते हैं सभी का। और बहुत सारे भाइयों का ऐसा भी कमेंट आया था कि मेरे पास टोन नहीं है। तो देखो, टोन नहीं है तो आप जैसे बाईबिट से वहाँ पर टोन खरीद सकते हैं, USDT की मदद से मतलब आप टोन ले सकते हैं, बाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप फाइनली जो आपका NFT है ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।